नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास से बोल पा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 36। ठीक है, जो पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंजाब सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे। उन समूहों को मिसल कहा जाता था। मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो सिख 12 छोटे छोटे समूह में संगठित थे। उन समूहों को मिसल कहा जाता था। मिसल के नेताओं के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया गया, जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो रणजीत सिंह 1792 से लेकर 1839, आपका 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। वे शुक्र चाक्य मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे और 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की आयु में ये शुक्र चाक्य मिसल के प्रमुख बने। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1789 ईस्वी में 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया था। तो रणजीत सिंह एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में जो है अमृतसर पर अधिकार कर लिया था। 1808 ईस्वी में तो 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सरसा नदी को पार किया और फरीदकोट, मालेरकोटला और वह अम्बाला को जीत लिया, किंतु 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि द्वारा सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। तो 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया और फरीदकोट, मालेरकोटला व अम्बाला को जीत लिया, किंतु 1809 ईस्वी के अमृतसर संधि द्वारा सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मत अमृतसर की संधि हुई। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच रणजीत सिंह के मत अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि में क्या था, जो कि आपका 25 अप्रैल 1809 को हुआ। तो इस संधि पर रणजीत सिंह और मेटकॉफ ने अपने हस्ताक्षर किए और इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को इस संधि पर रणजीत सिंह और मेटकॉफ ने अपने हस्ताक्षर किए और इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया जाए, तो सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया और सतलज नदी सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। तो सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। तो लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण जो है इस तरह आक्रमण न कर सके। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ। इस संधि पर रणजीत सिंह और मेटकॉफ ने अपने हस्ताक्षर किए और इस संधि का प्रमुख शर्त निम्नलिखित थी। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। ठीक है, 1809 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पास शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने पदस्थ कर दिया, परंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा ने पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। 1809 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पास शाह शुजा को जो है मोहम्मद शाह ने अभ्यस्त कर दिया, परंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा ने पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह ने भारत से लूटा था भेंट किया। तो राजगद्दी प्राप्त करने के बाद तो आपका जो अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने राजगद्दी प्राप्त करने के बाद शाह जो रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह ने भारत से लूटा था भेंट किया। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की तथा ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण नहीं किया। तो रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की तथा ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण भी नहीं किया। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जागमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जागमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। समझ गए, रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी का बेटा रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया और तथा उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा और रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर और
मुल्तान को जीत लिया तथा उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकवा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें गोरखों, बिहारियों, पुडौड़ियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को फौज में भर्ती किया गया। तो रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को फौज में भर्ती किया गया। ठीक है, कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को था। ठीक है, तो कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी और पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रंजीत सिंह स्वयं अपने मंत्री और अधिकारियों का चुनाव करते थे, इसी कारण उनका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। रंजीत सिंह के अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान व हिंदू थे। उनका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। तो रंजीत सिंह स्वयं अपने मंत्री और अधिकारियों का चुनाव करते थे, इसी कारण उनका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। रंजीत सिंह के अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान व हिंदू थे। उनका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। धर्म के मामले में वह सहनशील और उदारवादी थे। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्प्रेरित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वह न तो केवल सिख बल्कि मुसलमान व हिंदू संतों का भी समान रूप से समान आदर और संरक्षण देते थे। धर्म के मामले में वह सहनशील और उदारवादी था। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही विपरीत था जितना हिंदू या मुसलमान किसान। वह न केवल सिख बल्कि मुसलमान एवं हिंदू संतों का भी समान रूप से जो है समान आदर और संरक्षण देते थे। जब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया, नदी के पूर्व सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब रंजीत सिंह ने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का सामना करने के लिए शक्ति नहीं है। तो जब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया तथा नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब रंजीत सिंह ने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का सामना करने की शक्ति नहीं है। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके तीन आयोग उत्तराधिकारी शासक में और इस प्रकार उनके अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, परंतु वह विदेशी संकट को हटा नहीं सके। उन्होंने उस संकट को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया था। तो इस प्रकार उनके रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके तीन आयोग उत्तराधिकारी शासक में इस प्रकार उनके अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, परंतु वह विदेशी संकट को हटा नहीं सके और उन्होंने उस संकट को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट आपका खड़ग सिंह। तो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। उनका वजीर ध्यान सिंह था। इस तरह प्रशासन पर डोगरा सरदार हावी हो गए। तो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा था। उनका वजीर ध्यान सिंह था। इस तरह प्रशासन में डोगरा सरदार हावी हो गए थे। ठीक है, कुछ समय बाद खड़ग सिंह को बंदी बना लिया गया, जहां जेल में उनकी मौत हो गई। तो कुछ समय पश्चात खड़ग सिंह को बंदी बना लिया गया तो जहां जेल में उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। उनका वजीर ध्यान सिंह था। इस तरह प्रशासन में डोगरा सरदार हावी हो गए। ठीक है, कुछ समय बाद खड़ग सिंह का बंदी बना लिया, जहाँ जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र निहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया था। तो वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र जो है नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वे शेर सिंह के समर्थक थे। कुछ समय पश्चात नौनिहाल सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो जो है वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र जो है खड़ग सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वे शेर सिंह के समर्थक थे। कुछ समय बाद नौनिहाल सिंह की एक घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका शेर सिंह। तो शेर सिंह रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 ईस्वी में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। तो शेर सिंह रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 ईस्वी में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। सितंबर 1843 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया तथा उसकी माता जिंदा कौर को
उनकी उसकी संरक्षक बनाया गया। तो शेर सिंह रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्प वयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया तथा उसकी माता जिंदा कौर को उनकी संरक्षक संरक्षिका बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह के शासनकालों में अंग्रेज ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आपका वीडियो। तो आपका ये पूरा समाप्त हो गया। एक बार हम यहाँ पर पढ़ते इसको जो कल रिवाइज पढ़े थे उसको रिवाइज करते। तो महाराजा रणजीत सिंह का वंश बुद्ध सिंह शुक्राचार्य हम इसके संस्थापक थे। उसके नीचे आपका था चंद्रा सिंह जो कि सिंधीवाला शाखा के वंशज, नोद सिंह। ठीक है, उसके बाद आपका चरत सिंह शुक्राचार्य हम इसलिए का वास्तविक संस्थापक निधन 2024 में। उसके बाद आपका महा सिंह जो है बेटा चरत सिंह का 2024 से लेकर 1793 में उनकी मृत्यु हो गई थी। महा सिंह का बेटा रणजीत सिंह और रणजीत सिंह का जो है विवाह जिंद के राजा गजपति की पुत्री से विवाह हुआ। ठीक है, इनका निधन रणजीत सिंह का 1839 में रणजीत सिंह का निधन 1839 में। और रणजीत सिंह का बाद विवाह हुआ महताब कौर, राज कौर, दया कौर, रतन कौर और जिंद कौर। ठीक है, जिंद कौर से। और उसके बाद जो रणजीत सिंह के जो वंश से निकले वो आपका खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह, शेर सिंह, तारा सिंह, तो कश्मीर सिंह, पिथौरा सिंह, मुल्तान सिंह और दिलीप सिंह, ये आपके राजा बने थे। उसके बाद ये बने थे राजा। ठीक है, और इसके बाद ये भी आपके राजा बने थे, खड़क सिंह, शेर सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह। तो खड़क सिंह का विवाह चांद कौर से हुआ था और उनका बेटा नौनिहाल सिंह था जिनका निधन 1840 में हो गया था। ठीक है, तो रणजीत सिंह के वंशज थे आपके खड़क सिंह, शेर सिंह, तारा सिंह, कश्मीर सिंह, पिछौरा सिंह, मुल्तान सिंह और दिलीप सिंह। और शेर सिंह के वंश का नाम था बाघ सिंह, प्रताप सिंह, देवास सिंह, सहदेव सिंह, नारायण सिंह, ठाकुर सिंह और करम सिंह। और नेक्स्ट हम ऊपर पढ़ेंगे आपका शुक्राचार्य मिश्र के बारह सिख मिश्र। तो बारह सिख मिश्र कौन थी? तो शुक्राचार्य मिश्र के संस्थापक थे आपके चरत सिंह, भंगी मिश्र के संस्थापक थे छज्जा सिंह, अहलुवालिया मिश्र के संस्थापक थे जस्सा सिंह, सिंगापुरिया मिश्र के संस्थापक थे नवाब कपूर सिंह, कन्हैया मिश्र के आपके जय सिंह, फुलकिया मिश्र के जय सिंह, सॉरी फुलकिया मिश्र के संतु जाट चौधरी, रामगढ़िया मिश्र के आपके थे रामगढ़िया मिश्र के आपके जे जस्सा सिंह रामगढ़िया, फुलकिया मिश्र के संतु जाट चौधरी। ठीक है, करूर सिंझिया मिश्र के आपके थे बघेल सिंह, निशान वालिया मिश्र के थे आपके सरदार शंकर सिंह, शहीदी मिश्र के थे आपके बाबा दीप सिंह, और नकी मिश्र के थे आपके हीरा सिंह, आप बोले वालिया मिश्र के थे आपके गुलाब सिंह। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।